अच्छा जी, जो हमारा SMA का कोर्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो उसके लिए हमें क्या क्या एरियाज कवर करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सिलेबस की, उसको हम एक नज़र डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारे पास है कॉस्ट प्लानिंग से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड एंड कॉस्टिंग टेक्निक से रिलेटेड। सो इसके अंदर बेसिकली आपकी सारी कॉस्ट अकाउंटिंग कवर हो जाती है, मेजॉरिटी कॉस्ट अकाउंटिंग इसके अंदर कवर हो जाती है, जिसकी वेटेज है 25%। इसके अंदर कॉस्ट प्लानिंग आ जाएगी, एनालिसिस आ जाएंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स आ जाएंगी और एक्सटर्नली ओरिएंटेड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाएंगी। इसको अगर डिटेल में एनालाइज करने जाएं तो कॉस्ट प्लानिंग के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक कवर होगा वो कवर होगा लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व में कैलकुलेशन भी है, थ्योरी भी है, और लर्निंग कर्व इज बेसिकली लेबर रिलेटेड इश्यूज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लेबर कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और जब आप लेबर की बात करते हैं तो लेबर रिलेटेड वेरियंसेस भी होते हैं, लेबर की कॉस्ट जो है बजटिंग के अंदर भी इस्तेमाल होती है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का, ये हर जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉस्टिंग में लेबर की बात आएगी वहाँ पर लर्निंग कर्व इस्तेमाल होगा कि एक लेबर की पर यूनिट कॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव काम में इन्वॉल्व करता है तो किस तरह से उसका टाइम रिड्यूस होता है और टाइम रिड्यूस होने के साथ उसकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है। सेकेंड चीज हमें डिस्कस करनी है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जो आइडिया है बेसिकली एक मॉडर्न आइडिया है, क्योंकि कन्वेंशनली जो कॉस्टिंग की जाती थी वो तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग की जाती थी। अब लाइफ साइकिल का आइडिया ये है कि जी, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के कई फेजेस होते हैं, कि एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो ग्रोथ स्टेज पे जाता है, उसके बाद वो मेच्योरिटी स्टेज पर आता है, उसके बाद फाइनली वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर जाता है। तो इस पूरी साइकिल में जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस से रिकवर होनी चाहिए। हाउ टू डू दैट? सो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड लाइफ कॉस्टिंग साइकिल कॉस्टिंग पर यूनिट, यहाँ पर हम बात करेंगे। इन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया है कि जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ 4 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। तो वेन एवर टाइम इज इन्वॉल्व तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरा एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है टारगेट कॉस्टिंग का। टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कन्वेंशनली जब हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसमें मार्कअप ऐड करते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में कंज्यूमर के पास इतना ज़्यादा पावर है, कंज्यूमर के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि अब कंज्यूमर जो है वो आपको डिक्टेट करता है कि जी, मुझे इतनी प्राइस पे ख़रीदना है, इससे ज़्यादा पे मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। तो एज ए रिजल्ट अब कॉस्टिंग की जाती है इस तरीके से कि पहले आप टारगेट सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें से अपना मार्कअप माइनस करते हैं और उसके बाद कॉस्ट जो कि होनी चाहिए वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टारगेट कॉस्टिंग। इसके अंदर देखें एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व, यानी कि लर्निंग कर्व का टॉपिक हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, एज आई टोल्ड यू। तो वो टारगेट कॉस्टिंग में जब आप मटीरियल लेबर डालेंगे तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है वैल्यू एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे जी, वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है, इसके दरमियान क्या फर्क होता है, किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है और उसके जरिए कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, फिर उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। ये बात हो गई आपकी कॉस्ट प्लानिंग की, जिसमें मेनली लर्निंग कर्व है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है और टारगेट कॉस्टिंग, ये 3 कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सेकेंड है कॉस्ट एनालिसिस का। अच्छा, बेसिक लेवल पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा चुकी होती है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हद तक। उसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है वो होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी वहां पर पढ़ाई जा चुकी होती है, तो इसकी एप्लीकेशन पे बात की जाती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, सिर्फ थ्योरी कैलकुलेशन नहीं। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एप्लीकेशन ABM, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉफिटेबिलिटी,
एक्टिविटी बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर विद ट्रेडिशनल सिस्टम एंड परीटो एनालिसिस, जिसके अंदर आपको शायद पता होगा कि 80-20 का एक प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है, विच इज़ बीन इन्वेंटेड बाय परीटो, के 80% जो हमारा प्रॉफिट है वो 20% कस्टमर जनरेट करते हैं, या 80% हमारी जो कॉस्ट है वो 20% प्रोडक्ट की वजह से आ रही है, सो एंड सो ऑन, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, कॉस्ट को मैनेज करने का मतलब है कॉस्ट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी क्या है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट क्या है, जस्ट इन टाइम क्या होता है, काइजन कॉस्टिंग क्या होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का आइडिया क्या है, क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट क्या होती है, बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है, और अल्टीमेटली उसके बाद हम आ जाएंगे चौथी चीज के ऊपर, एक्सटर्नली ओरिएंटेड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मेजॉरिटी थ्योरेटिकली थ्योरी के अंदर कवर हो रही। तो ये चार एरियाज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, कॉस्ट प्लानिंग एनालिसिस एंड टेक्निक, जिसकी मेजॉरिटी थ्योरी है, तो आपको एक अच्छे मटेरियल इस्तेमाल करना है, थ्योरेटिकली यू मस्ट बी साउंड ताकि किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग के बारे में और प्रोडक्ट की डिसीजन, बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं है, नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह जो हमने SFM वगैरह में भी पढ़ाई जाती हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाई जाती है, यहाँ पर है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजंस, जिसके अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं, रिस्क एंड अनसर्टिनिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग के दोनों मेथड्स हैं, ग्राफिकल भी और सिंप्लेक्स मेथड भी, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस भी है, और प्राइसिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज भी हैं, सबसे बड़ा पोर्शन विच इज 40% ऑफ द सिलेबस। अब इसके डिटेल कॉम्पोनेंट्स पर अगर हम चलते हैं तो इसके अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग की कंप्लीट डिटेल्स, बेसिक रेलेवेंट कॉस्टिंग का आइडिया जर्नल, फिर मटेरियल के रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लेबर की, ओवरहेड की, मशीनरी से रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेक और बाय डिसीजन कैसे लेते हैं, आइदर और प्रॉब्लम, शट डाउन प्रॉब्लम, ऑप्शन में से क्या कैसे चूज करते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन के मेथड, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये इसके अंदर कवर होगा। उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू टेक्निक, डेटा टेबल्स, पे ऑफ टेबल, मैक्सिमैक्स अप्रोच, मैक्सिमिन अप्रोच, मिनिमैक्स रिग्रेट टेबल्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिसीजन ट्री, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट और सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट और सिमुलेशन मॉडल की सिर्फ थ्योरी। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस आ जाएगा कि अगर आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए किसी किस्म का कंस्ट्रेंट मौजूद है, कंस्ट्रेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल भी कंस्ट्रेंट है और लेबर भी कंस्ट्रेंट है, तो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक से ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर के केस में आता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जी बॉटलनेक्स क्या होते हैं, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर और मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर का फर्क क्या है, स्लैक्स क्या होते हैं, शेडो प्राइसिंग क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन, ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए कैसे काम करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड से कैसे काम करेंगे, और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पर मेंशन है कि दो प्रोडक्ट्स ही होंगी, दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगी। इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन जो सिंगल प्रोडक्ट का होता है वो तो प्रीवियस पेपर्स में कवर हुआ हुआ होता है, यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट्स का, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन एनालिसिस करना होगा, बेसिक ब्रेक इवन चार्ट, बेसिक पीवी चार्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट की सीएस रेशियो, सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट के चार्ट्स इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। फिर लास्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कौन सी हमारे लिए सूटेबल होती है, उसमें मार्केट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होती है,
और डिमांड के थ्रू जो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, ऑप्टिमम प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेक्शन बी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और इसके अंदर ज्यादातर कैलकुलेशन है। सेक्शन ए में ज्यादातर थ्योरी, सेक्शन बी में ज्यादातर कैलकुलेशन। फिर तीसरा एरिया हमारे पास है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। उसके अंदर हमारे पास बजट्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन आ जाती है, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक टॉपिक टाइम्स ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। इसके डिटेल कंपोनेंट्स पे अगर हम जाएं तो बजटरी कंट्रोल्स के अंदर हमें फ्लेक्सिबल बजट्स के ऊपर बात करनी होगी। इसी तरीके से स्प्रेडशीट्स के जरिए बिजनेस मॉडल्स, रोलिंग बजट्स, इम्प्लीकेशन ऑफ बजटिंग, पार्टिसिपेशन इन बजटिंग, टॉप डाउन बॉटम अप, मोटिवेशन पे क्या असर पड़ता है, बियॉन्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। बजटिंग यानी कि बजट्स बनाने नहीं है, बजटिंग की थ्योरेटिकल डिस्कशन यहाँ पर है, क्योंकि बजट बनाना बेसिक कोर्स के अंदर ऑलरेडी कवर करवाया जा चुका है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे प्रॉफिट मार्जिन, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसके अंदर आपकी कस्टमर से रिलेटेड, इंटरनल बिजनेस से रिलेटेड जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स हो गई, डिफेक्ट रेट्स हो गए, बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल है वो इस्तेमाल करेंगे, बेंचमार्किंग की सिर्फ थ्योरी है। सर्विस इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे होती है, यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ये भी एक मॉडल है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, फिर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मॉडल ROI विच इज अ रेशियो, रेजिडुअल इनकम अगेन अ रेशियो, एंड एक एडवांस रेशियो विच इज EVA, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इवेल्युएट करते हैं। एंड लास्टली 15वां टॉपिक ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसके अंदर हम ट्रांसफर प्राइसिंग की बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, सही है, और इसके अलावा कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, निगोशिएटेड प्राइस क्या होती है, और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के इश्यूज, टैक्सेशन और करेंसी से रिलेटेड। तो ये आपका सिलेबस है जो के तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अब इस सिलेबस को अगर मैं मैप करता हूँ ना मटेरियल के लिए, तो ये सिलेबस में बहुत सारी चीजें सिमा P1 के सिलेबस से आइडेंटिफाई हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हो गया, शॉर्ट टर्म डिसीजंस हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ये और मेजॉरिटी चीजें इसकी सिमा P2 के मटेरियल के अंदर अवेलेबल हैं। पूरा कॉस्ट प्लानिंग एनालिसिस एंड टेक्निक्स, इसके अलावा प्राइसिंग डिसीजंस, और इसके अलावा बजट परफॉर्मेंस मेजरमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग, पूरा ये सिमा P2 के अंदर जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे कि जी ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे P1 के सिलेबस में वेरियंसेस भी हैं, वेरियंसेस यहाँ सिलेबस में नहीं है। इसी तरीके से आपके पास P1 में बजटिंग भी है, बजटिंग बेसिक यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह P2 में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर सिलेबस में मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप और रेफरेंस मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं सिमा का P1 P2 और ACCA का F5, F5 का जो कोर्स है वो भी आइडियल है इसके अंदर ना, उसके अंदर भी मेजॉरिटी टॉपिक जैसे पूरा कॉस्ट प्लानिंग एनालिसिस एंड टेक्निक F5 के अंदर है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रेक इवन, प्राइसिंग, ये पूरा F5 के अंदर है। और इसी तरीके से पूरा यानी कि F5 को मिरर किया हुआ है इन्होंने और सिमा P1 और P2 को कॉपी किया हुआ है पूरा सिलेबस। तो आपके पास रिसोर्सेज में अगर हम MCQ बैंक बैंक की तरफ जाएं तो F5 में भी MCQs हैं, P1 में भी MCQs हैं, P2 में भी MCQs हैं, और अगर हम पास पेपर्स की तरफ जाएं तो F5 के पास पेपर्स, ACCA के, सिमा P1 के पास पेपर्स, सिमा P2 के पुराने पास पेपर्स, ये हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने जो रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है उसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसके अंदर गैरिसन एंड नोरीन की एक बुक है जो कि नॉर्मली MBA वालों को पढ़ाई जाती है, हॉर्न ग्रेन की बुक है वो भी MBA वालों को पढ़ाई जाती है, और रोनल्ड H.W.H. हिल्टन। तो लेकिन इसके अंदर एक बुक मिसिंग है जो कि नॉर्मली इस्तेमाल करनी चाहिए इस तरह के पेपर में, वो है कॉलन ड्यूरे, क्योंकि कॉलन ड्यूरे के पेपर आप खोलेंगे तो उसमें ACC के पास पेपर, CIMA के पास पेपर आपको
पुराने मिलेंगे और काफी टेंशन वाली किताब है कॉलन ड्यूरे। सो कॉलन ड्यूरे भी अगर साइड बाय साइड रेफर कर ली जाए अलॉन्ग विद ACC NCIE में कोर्स, तो वो काफी इफेक्टिव यहाँ पर हो सकती है। इस पॉइंट पे कोई सवाल है तो पूछे। हम अपने सिलेबस का स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से, और सेक्शन बी में हमारा पहला टॉपिक होगा रेलेवेंट कॉस्टिंग। सो रिसोर्सेज में एक दफा फिर यहां पर आपको मेंशन कर देता हूं कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं ताकि पहली अटेम्प्ट में ये पेपर आपका पास हो जाए। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिमा P1 का मटेरियल, सिमा P2 का मटेरियल, ओल्ड एंड न्यू बोथ दोनों काम करेंगे। ओल्ड एंड न्यू बोथ दोनों के जितने भी मटेरियल है वो सब रेलेवेंट है, क्योंकि सिमा 2015 में अपनी स्कीम रिवाइज कर चुका है, तो 2015 से पहले वाले भी मटेरियल, 2015 के बाद वाला मटेरियल भी अवेलेबल है। 2015 से पहले सीमा में पूरा एमसीक्यूज नहीं होता था, 2015 के बाद आफ्टर बाद वो सीबी हो गया, तो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर अब जो अवेलेबल होते हैं उसका क्वेश्चन बैंक यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से ACCA का F5, F5 का जो ACCA का पेपर है ना उसमें तीन तरह के सवाल आते हैं। सेक्शन ए के अंदर उनके एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको एमसीक्यूज का एक अच्छा बंच मिलेगा। सेक्शन बी में उनके पास एमटीक्यूज आते हैं, तो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज मिलेंगे, और सेक्शन सी में उनके रिटन क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, CRQs, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। और सिमा P1 P2 अब सिर्फ सिंपली जो है ना वो OTQs बेस्ड पेपर है करंट सिनेरियो के अंदर, तो हमें जो है वो जो रिसोर्स अवेलेबल होगा वो कैपलान की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी की भी, आप BPP की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की भी, ACCA सिमा जिसकी भी वो अवेलेबल होंगी हमारे पास। इसी तरह से आप कैपलान का क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, ACCA सिमा का जो भी, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरह से आप BPP का क्वेश्चन बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आपके डिस्क्रिशन पे अवेलेबल होगा प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रोफेशनल बॉडी के सेमा के पास पेपर्स, और इसी तरह से ACCA के पास पेपर, अगर ये कर लिए जाएं तो इससे ज्यादा आपको किसी और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और रेफरेंस के तौर पे जो बुक आपको मैं रेफर कर रहा हूं वो है कॉलन ड्यूरे। कॉलन ड्यूरे की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, आप इसकी हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं चाहें तो। ये है अल्टीमेटली हमारा रिसोर्स बैंक। चले जी हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक का, आज थोड़ा सा इंट्रो करेंगे। और पहला टॉपिक है हमारा रेलेवेंट कॉस्टिंग। प्राइमरीली हम डिसीजन मेकिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम डिसीजंस लेते हैं तो डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिसीजन लेने के लिए, ताकि हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होती है चॉइसेस, और आपको अगर एक चीज ऑप्ट करनी होती है तो आपको दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
और डिसीजन लेने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम हर वो डिसीजन लेते हैं जिससे हम ऑनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होगा तो हम अल्टीमेटली वो डिसीजन लेंगे जिससे हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। सो अकॉर्डिंगली जब आप डिसीजंस लेते हैं और आपके डिसीजंस की वजह से जो आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू के अंदर चेंज आता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो कॉस्ट और वो रेवेन्यू जो हमारे डिसीजन लेने की वजह से चेंज होते हैं, उन्हें कहा जाता है रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेवेन्यू। सो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू वो कॉस्ट एंड रेवेन्यू होती है दैट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन टेकिंग। ऐसी कॉस्ट या रेवेन्यू दैट चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ डिसीजन टेकिंग। और अगर कोई ऐसी कॉस्ट हो या कोई ऐसा आइटम हो जो डिसीजन लेने से बिल्कुल भी ना हिल रहा हो, चेंज ही ना हो रहा हो, आप डिसीजन लें तब भी इनकर्ड हो, आप डिसीजन ना लें तब भी इनकर्ड हो, तो ऐसी कॉस्ट या रेवेन्यू को हम क्या कहेंगे कि ये इररेलेवेंट हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए है। सो रेलेवेंट कॉस्ट नॉर्मली फ्यूचर ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, राइट? और वो मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड कर रही होती है। तो हम इन जर्नल कह सकते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट हो सकती है जो फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू हो। पहली बात, इसका पहला फीचर ये हो सकता है कि रेलेवेंट कॉस्ट इज फ्यूचर कॉस्ट, क्योंकि हमारा डिसीजन का ताल्लुक होता है फ्यूचर से, डिसीजन हम फ्यूचर के लिए ले रहे होते हैं, तो फ्यूचर में अराइज होने वाली जो कॉस्ट होगी वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। इससे हमें एक बात पता लगती है कि डिसीजन लेने से पहले अगर हमारी कोई कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी, जिसे हम पास्ट कॉस्ट कहते हैं या संक कॉस्ट कहते हैं, इज ऑलवेज इररेलेवेंट। तो जब भी मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं और मेरे डिसीजन लेने से पहले एक कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, तो अब उस कॉस्ट से मेरे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या मेरे डिसीजन से उस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉस्ट तो लग चुकी, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रिजॉर्ट बनाना था किसी लोकेशन के ऊपर और आपने एक सर्वे करवाया कि लोगों की इनकम क्या होगी इस रीजन के अंदर, उस सर्वे में आपने 2 लाख रुपए की कॉस्ट इनकट कर दी। अब जो डिसीजन है कि रिजॉर्ट बनाना है या नहीं बनाना, आप बनाएंगे तब भी 2 लाख की कॉस्ट लग गई सर्वे की कॉस्ट, और जब आप नहीं बनाएंगे तब भी लग गई, तो हम कहेंगे ये जो कॉस्ट है ये क्या है, ये इररेलेवेंट कॉस्ट है एज पास्ट कॉस्ट। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा कैश फ्लोज होती है, रेलेवेंट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब रेवेन्यू भी साथ बोल रहा हूं, इज कैश फ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे डिसीजन से रिलेटेड कोई ऐसा आइटम आता है जो कि कैश फ्लो नहीं है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। इसकी क्लासिकल एग्जांपल क्या है, डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इटसेल्फ जो है ना इज अ नॉन कैश आइटम, और डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कोई कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन के पीछे एक कॉस्ट है, वो कौन सी कॉस्ट है, वो है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। ये कैश फ्लो है, ये रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन बेसिकली एक अकाउंटिंग मेजर है, वो एक अकाउंटिंग में आप किसी की कॉस्ट को स्प्रेड आउट करते हैं, वो कि रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है, वो कि रेलेवेंट आइटम नहीं है। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन जब भी आएगा हमारे डिसीजन मेकिंग में तो डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं होगा, बल्कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ और रेलेवेंट होगा। डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन हम हटा देंगे। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी हम ये बना सकते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीमेंटल हो सकती है या डिफरेंशियल हो सकती है। तीसरी चीज, इंक्रीमेंटल कॉस्ट या
डिफरेंशियल कॉस्ट। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है और डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये होती है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन की वजह से आपकी कॉस्ट में इजाफा होता है या आपके रेवेन्यू में इजाफा होता है तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। और डिफरेंशियल कॉस्ट ये होती है कि अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों से रिलेटेड आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है तो दोनों में जो कॉमन कॉस्ट होगी वो डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए इग्नोर कर दी जाएगी, वो डिफरेंशियल नहीं होगी। तो कॉमन कॉस्ट अगर आती है, दो डिसीजन के अंदर एक ही कॉस्ट कॉमन है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इररिलेवेंट ट्रीट करके क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो दोनों डिसीजन में अलग अलग है तो कंपेरेबल होगी, कॉमन कॉस्ट को कंपेयर नहीं किया जाएगा, इसका मतलब फजूल है, उसकी कोई जरूरत हमारे पास नहीं। इसी तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे एक टर्मिनोलॉजी है अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है। अब उनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन पे हम बात करेंगे कि संक कॉस्ट क्या है, कमिटेड कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि नॉर्मली हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है, क्या फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट हो सकती है? तो फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉर्मली इररिलेवेंट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, नॉर्मली रेलेवेंट कंसिडर नहीं की जाती। क्यों रेलेवेंट कंसिडर नहीं की जाती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है ना, आप जो भी डिसीजन लेंगे आपके डिसीजन लेने से फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो लगनी लगनी है। लेकिन अगर आपके डिसीजन लेने से फिक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा है तो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिल्डिंग किराए पे ली हुई, रेंट, रेंट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब हमने बिल्डिंग एक किराए पे ली हुई, ठीक है, और उसका रेंट हम पे कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 200,000 रुपीज पर एनम। अब हमने कहा कि हमको एक एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए हमें एडिशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। हमको ऐसी एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए हमें एडिशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगी और उस एडिशनल स्पेस के लिए हमें एडिशनल रेंट पे करना पड़ेगा 50,000। अब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ये जो रेंट होगा ये रेंट बन जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल होगी, ये इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल होगी। तो फिक्स कॉस्ट जनरली क्या होगी, इररिलेवेंट होगी। अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं उससे हमारी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई इजाफा होता है तो वो फिक्स कॉस्ट क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, और उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से एक होती है कमिटेड कॉस्ट। हमने अभी बात की थी कि फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट होती है, तो कमिटेड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इनकर्ड तो फ्यूचर में होती है लेकिन डिसीजन लिया जा चुका है पास्ट में, उसकी वजह से एक कॉस्ट है जो कि इनकर्ड होनी है फ्यूचर में लेकिन क्योंकि हमने डिसीजन लिया हुआ है तो वो कॉस्ट चेंज नहीं होती। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो फ्यूचर कॉस्ट, और फ्यूचर कॉस्ट तो रेलेवेंट होती है लेकिन ये जो कॉस्ट है ये पहले से कमिट की गई है, अगर डिसीजन लेंगे तब भी लगनी है, अगर डिसीजन नहीं लेंगे तब भी नहीं लगनी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट बनानी है और उसके लिए आपने एक स्पेशल पैकेजिंग अरेंज की हुई है और उसका ऑर्डर आपने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है और उसकी डिलीवरी नहीं हुई लेकिन आपने पेमेंट कर दी है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बनाने को डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं तो ये डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है इसलिए आपको अपनी पेमेंट तो हर हाल में करनी पड़ेगी, कमिटेड कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन फ्यूचर बट ऑलरेडी कमिटेड।
सो इनकर्ड इन फ्यूचर से लगातार रेलेवेंट कॉस्ट है बट कमिटेड इन पास्ट बट डिसाइडेड इन पास्ट। तो फ्यूचर में आप कोई काम करेंगे ये कॉस्ट आपकी हर हाल के अंदर लगनी है, इसलिए इसको भी हम रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर नहीं करते। इसी तरीके से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अब फॉर एग्जाम्पल आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं और उस डिसीजन को लेने की वजह से आपको किसी चीज को सेक्रीफाइस करना है, तो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको आप जो फोरगो कर रहे हैं सेक्रीफाइस करके उस अल्टरनेटिव को हासिल करने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव, आप हमेशा बेस्ट की तलाश में रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सपोज एक लैंड थी और उस लैंड की वर्थ थी सपोज ₹5 मिलियन और आप इस लैंड को 5 मिलियन में बेचने का प्लान कर चुके थे या इरादा था आपका बेचेंगे तो ये 5 मिलियन में बिक जाएगी। अब आपने कहा कि हम उस लैंड को यूज कर लेते हैं और उसके ऊपर एक फार्म हाउस बना देते हैं। फार्म हाउस का डिसीजन जो है कि हम एक फार्म हाउस बनाएंगे, वहां लोग आएंगे, इतने चार्जेस होंगे, ये जो डिसीजन है हमारा इसको लेने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एक ऑप्शन था ये ऑप्शन आपने फोरगो कर दी। एज एज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा तो ये फार्म हाउस के लिए रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट होती है, यानी कि फार्म हाउस की जब हम कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो उसमें फार्म हाउस की जो नॉर्मल कॉस्ट होगी वो तो लेंगे लेंगे, लेकिन जो आपने रेवेन्यू फोरगो किया है उस रेवेन्यू फोरगो को भी शामिल करेंगे। इसी तरीके से बाज दफा ऐसा होता है कि मैं एक फार्म हाउस बना रहा हूं लेकिन उससे पहले जो लैंड बनी हुई वो दो पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या तो मैं उसे बेच सकता था या फॉर एग्जांपल मैं उसे क्रॉप करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए दे सकता था। तो अब आपको देखना होगा बेस्ट अल्टरनेट क्या था जो आपने फोरगो किए। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपने फोरगो किए तो बेस्ट अल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल एक में आपको सेक्रीफाइस करना था 5 लाख और एक में आपको सेक्रीफाइस करना था 6 लाख, ये दो बेनिफिट हो सकते थे आइदर और। ये क्या है? ये है आइदर और, दोनों नहीं। तो हमसे पूछा जाएगा ये बताएं रेलेवेंट कॉस्ट कितनी किसी नए डिसीजन के लिए, तो हम कहेंगे 11 लाख रुपीज, नो 1.1 मिलियन नहीं होगी, बल्कि हम इन दोनों में से हायर ऑफ चूज कर लेंगे। और हायर ऑफ क्या है? 600,000। अब हमारा जो भी डिसीजन होगा उसके लिए हमने ये कॉस्ट सेक्रीफाइस की तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? कोई सवाल? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आएगी? जब आप एक नया डिसीजन ले रहे हैं और उसके लिए कहीं से आपको कुछ सेक्रीफाइस करके कोई चीज छोड़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्किल लेबर एक जगह काम कर रहा है, अब आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने कहा स्किल लेबर को उठा के यहां ले आओ, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वहां से आपको नुकसान हो रहा है वो आप उस नए प्रोजेक्ट पे चार्ज करेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का प्लेयर है, वो कोई सीरीज खेल रहा है किसी कंट्री के अंदर और उसे पाकिस्तानी टीम में अपॉइंट किया जाता है किसी टूर्नामेंट के लिए, किसी सीरीज के लिए। अब उसे कहा जाता है तुम वो छोड़कर आओ, तो वो कहेगा मैं छोड़कर आऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो उसकी जो यहाँ पर रिम्यूनरेशन डिसाइड की जाएगी उसके अंदर वो जो छोड़कर आ रहा है, जो सेक्रीफाइस है, उसको कंसीडर करना लाजमी है। अगर वो वहां पर 5 लाख रुपए अर्न कर रहा हो, आप कहते हैं हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, तो कहेगा फायदा क्या हुआ? तो उसकी जो भी यहाँ पे रिम्यूनरेशन बन रही है उसके अंदर आप उसकी सेक्रीफाइस को अगर शामिल नहीं कहेंगे तो ये रेलेवेंट आपकी जो भी डिसीजन है वो उसमें काउंट नहीं आएगा। अच्छा, अब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए
एक तो डेफिनेशन वो है जो मैंने आपको एक लेमेन डेफिनेशन दी, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो लेट मी शेयर कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की प्रॉपर डेफिनेशन, एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। इट इज डिफाइंड इन द सिमा टर्मिनोलॉजी एज द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट सेक्रीफाइस्ड व्हेन वन कोर्स ऑफ एक्शन इज चोजन इन प्रेफरेंस टू एन ऑल्टरनेटिव। मीन्स आपके पास एक ऑल्टरनेट है और आपने उस ऑल्टरनेट को सेक्रीफाइस करके एक नया ऑप्शन ऑप्ट किया, तो उस नए ऑप्शन के लिए आपको कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमें एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, उसकी हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है, किसी भी नए कैश फ्लोज ढूंढ रहे हैं, तो हम कहेंगे हम एक मशीन खरीदेंगे, वो रेलेवेंट कैश पे करेंगे, लेकिन साथ साथ इस प्रोजेक्ट के लिए हमने एक बेनिफिट सेक्रीफाइस किया होगा वो इस प्रोजेक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ नेगेटिव होती है, कॉस्ट बनती है, समटाइम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव भी हो सकती है। तो समटाइम्स आपकी एक कॉस्ट इनकर्ड होनी थी, सपोज 5000 की आपकी एक कॉस्ट इनकर्ड होनी थी और आपने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह से आपके पास वो कॉस्ट सेव हो गई, तो अब ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए क्या बन जाएगी, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ बेनिफिट। सो वहां पर वो आउटफ्लो बन रहा था, यहाँ पर ये एज अ इनफ्लो बन जाएगा। वेरी रेयर केसेस के अंदर आपको ये मिलेगा, ज्यादातर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटफ्लो होती है, रेयर केसेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनफ्लो भी बन सकती है। कोई कहेगा जी पॉसिबल नहीं है इनफ्लो, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इनफ्लो भी एक पॉसिबिलिटी के तौर पर आ सकता है। अब इसी तरीके से जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके अंदर हमने बात की थी कि एक डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, एक नोशनल कॉस्ट हो सकती है, इसी तरीके से अवॉइडेबल कॉस्ट हो सकती है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट हो सकती है, और फिर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, और ओवरहेड्स की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक मशीन है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट अपने सेशन में डिस्कस करेंगे।